माफिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से सड़क के रास्ते उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। उमेश पाल के अपहरण के मामले में आरोपी अतीक अहमद को इसलिए लाया जा रहा है कि ताकि 28 मार्च को उसके सामने ही फैसला सुनाया जा सके। ये वही उमेश पाल हैं जिनको हाल ही में दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला गया और उनकी मौत हो गई। साल 2006 में उमेश पाल का अपहरण किया गया था। इसका आरोप अतीक अहमद और उसके गैंग पर लगा था। अब 17 साल के बाद इस मामले का फैसला सुनने के लिए उमेश पाल जिंदा नहीं है और उनके हथियारे फरार चल रहे हैं। उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक और उसके साथियों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 341, 504, 506, 342, 364, 34, 120 बी भारतीय दंड संहिता और सातवां आपराधिक दंड विधि संशोधन अधिनियम के तहत आरोप बना है। इनमें आईपीसी की धारा 364 ए सबसे बड़ी है। ये अपहरण के लिए दंड का प्रावधान करती है। जानकारों का कहना है कि अगर दोष साबित हुआ तो अतीक समेत अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 362 अपहरण को परिभाषित करती है। अपहरण का शाब्दिक अर्थ है किसी व्यक्ति को बल प्रयोग या कपटपूर्ण तरीके से ले जाना। आईपीसी की धारा 362 में कहा गया है कि अपहरण तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी धोखे या दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी अन्य व्यक्ति को किसी स्थान से स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है या प्रेरित करता है। आईपीसी की धारा 364 ए अपहरण के लिए दंड का प्रावधान करती है। इस मामले में अधिकतम सजा फांसी या आजीवन कारावास तक की हो सकती है। इस मामले में अधिकतम सजा फांसी या आजीवन कारावास और जुर्माना की व्यवस्था है। आईपीसी की धारा 365 के अनुसार जब किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से कैद करने के लिए उसका अपहरण करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी। इसमें आरोपी को 7 साल की कैद होने के साथ साथ भारी जुर्माना भी भरना पड़ता है। अगर ये हो जाता है कि अपराध षड्यंत्र के तहत कारित किया गया तो अन्य आरोपी भी उसी सजा के हकदार होंगे जो मुख्य आरोपी के लिए तय की गई है। फिरौती के लिए अपहरण के अपराध में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी संभावित है। ऐसे में अन्य आरोपी भी इसी सजा के हकदार हो सकते हैं। गवाह को डराने या धमकाने के केस में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा हो सकती है। धारा 195 ए गवाहों को सुरक्षा प्रदान करता है। गवाह को मारने पर आईपीसी की धारा 302 भी लगेगी। जिसने भी हत्या की है उसे या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड के साथ साथ जुर्माने की सजा दी जाएगी। साल 2005 में 25 जनवरी को हुए राजू पाल की हत्या के समय राजू पाल बसपा के विधायक थे और उनको दिन दहाड़े प्रयागराज की सड़कों पर गोली मार दी गई। उमेश पाल इस केस में गवाह थे। आरोप है कि उमेश पाल की गवाही को रोकने के लिए 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया। इसके एक साल बाद उमेश पाल ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में साल 2007 में केस दर्ज करवाया। 2007 में यूपी में मायावती की सरकार बन गई। मायावती की सरकार बनने के बाद इस एक साल पुराने केस में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें कुल 11 लोगों को नामजद किया गया जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम भी शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीए न्यूज़।